नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। बहुत सुंदर रेखाएं इस हथेली में हैं और एक एक करके हम जो है उसका विश्लेषण करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और सरलतम ढंग से जो है देखने की भी कोशिश करेंगे। देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ से लेकर के और इस तरह से जो है एक रेखा जारी है और सीधा शनि पर्वत पे जारी है और ये रेखा शुक्र की रेखा होती है, ये रेखा धन की रेखा होती है, ये धन के मामले में सबसे अच्छी रेखा होती है, धन को देने वाली रेखा है ये। यदि ये रेखा आप लोगों की हथेली में है, स्पष्ट है, सीधी है, सुंदर है, साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे या यहाँ पे कोई रेखा इसको काट ना रही हो या रेखा यहाँ से निकलकर और केवल यहीं तक ना जा रही हो, इसका ये नियम है। और ये रेखा इस तरह से जो है सीधी जा रही हो जैसे आपकी हथेली में है, भले ही यहाँ से जा रही है और यहाँ से इस रेखा के साथ मिल रही है, तो ये रेखा धन रेखा है, बहुत अच्छा धन देती है। यदि आप लोगों की हथेली में ये रेखा है और आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे, वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे, या हो सकता है ससुराल से धन मिले या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये रेखा ये भी दिखाती है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग अगर आपकी हथेली में कहीं ये दो मुँह लिए हुए हो यहाँ पे या कोई रेखा काट रही हो, मैं आपके संज्ञान के लिए बता रहा हूँ, तो ये वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को दिखाती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को दिखाती है। और एक चीज़ का ध्यान विशेष और रखना है, अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं ये रेखाएं भाग्यस्थान पे या हृदय की रेखा पे या मस्तिष्क की रेखा पे, ज़्यादातर तो हृदय रेखा पे, मस्तिष्क रेखा पे काट लेती है, इसका असर नहीं पड़ता है, कई बार राहु की रेखा इधर से गुजरती है ऐसे, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर काट रही है तो ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, नशे के कारण बहुत सारा धन ये, और ख़ासकर जब भी ऐसी रेखाएँ हों हाथ में, सबके साथ मत बैठिएगा नशा करने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है। और वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए, विवाह नहीं हुआ है तो भी ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। बहरहाल इस हथेली पे आते हैं, एक धन रेखा ये है आपकी हथेली में, बहुत सुंदर बन रही है, आप भी देख रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और आपकी जो हृदय की रेखा है, इस तरह से ये एम आकृति जो है यहाँ पे एक सुंदर एम की आकृति ये बना रही है। और आप सभी जानते हैं ये एम आकृति जो है भाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में होती है, और ये भी अपना एक इसका भी फॉर्मूला है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये आकृति अगर आप लोगों की हथेली में बन रही है, स्पष्ट बन रही है, स्पष्ट का मतलब ये नहीं कि आकृति दिख रही है, इसमें से किसी भी एक स्तंभ को कोई रेखा काट न रही हो, कहीं पे तिल ना आ रहा हो, कोई भी एक रेखा, चाहे भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो या आपकी हृदय रेखा हो, इनमें से कोई भी एक रेखा पे कोई दोष न हो, तो इस एम आकृति को तभी जो है हम ठीक मानते हैं। आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, कहीं पे कोई दोष यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये संकेत करती है कि आप 35वें वर्ष से, भले ही यहाँ पे 35वें वर्ष से आप धन नहीं कमाएंगे, लेकिन ये रेखा कर रही है,
क्यों नहीं कमाएंगे मैं भी बताऊंगा किस वर्ष से है, अभी आता हूं उस पर। लेकिन ये आकृति ये संकेत करती है कि ऐसा जातक 35वें वर्ष से और 55वें साल के बीच खूब धन कमाएगा। और दूसरी ये भी वैवाहिकता को दिखा रही है, विवाह के बाद कहीं ना कहीं जो है धन दिलाएगी अगर आपका जीवन साथी जो है आपका साथ देता है। और ये एम आकृति भी यही बताती है कि 35 से 55 के बीच खूब धन कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बड़ी तेज़ी से होगा। तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद जो है आपका भाग्योदय यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। अब मैंने ये क्यों कहा कि जो है 35वें से नहीं आप 36वें या 37वें वर्ष से धन कमाएंगे, इसका कारण है, इसका कारण है आपकी जो ये तर्जनी उंगली है जिसे हम अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और आपकी ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारा बृहस्पति है, ये हमारा शनि ग्रह है। इसके तीसरे पोर्वे में एक बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है और ये 35वें वर्ष तक जो है अपना असर रखता है, इसका करेक्ट टाइम है। और 35वें वर्ष तक असर रखता है तो धन के मामले में व्यक्ति का या तो खर्चेला स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है या धन के महत्व को वो समझ नहीं पाता है, महत्व नहीं रखता उसके लिए धन, या तो संघर्ष रहता है। इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ रहती है, या तो धन ही नहीं आता है भाई, संघर्ष रहता है, व्यक्ति क्या करेगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझता क्योंकि नहीं है उसको कुछ उतनी ज़रूरत, या तो खर्चेला स्वभाव ज़्यादा रहता है, उदार दिल वाला व्यक्ति होता है, कई बार बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में धन के मामले में ये संघर्ष को बताता है 35वें वर्ष तक। लेकिन 35वें वर्ष के बाद इसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है, और जब प्रभाव ख़त्म हो जाएगा निश्चित रूप से जो है व्यक्ति धन कमाने बैठ जाएगा अपने पुरुषार्थ के बल पे। तो आपके जीवन में 36वें वर्ष से धन का आगमन बहुत सुंदर होगा। और जिस तरह से शुक्र की रेखा है, विवाह के बाद बहुत तेज़ी से धन का आगमन होगा, और आपका जीवन साथी अगर आपका साथ देता है तो एक रिच मैन आप बनेंगे, बहुत सुंदर है, एक धनढ्य पुरुष आप बनेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक बात आपने बताया था, एक प्रश्न पूछा था कि शादी कब होगी, कब योग बन रहे हैं, उसके लिए हमें बृहस्पति जी को देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले भी बताया जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे के इस भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा सरलता से, ये जितनी ज़्यादा शनि की तरफ झुकाव लिए होता है उतनी ज़्यादा लेट में विवाह होने की संभावना बन जाती है। और इसकी जो संभावना बनी हुई है ये 30वें वर्ष से ही बन गई है और 35वें वर्ष तक बनी हुई है। निश्चित तौर पे 34वें वर्ष या 35वें वर्ष यहाँ पे विवाह होने की पूरी आशंका दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बात आती है जीवन साथी कैसा होगा, उसके लिए यहीं पे एक निशान है। आप देखोगे यहाँ पे पूर्ण रूप से एक गुणा का निशान भी दिखाई दे रहा है, और ये कट का निशान वैसे हथेली में ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति पर्वत पे ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत ज़्यादा समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, और ऐसे लोगों का ससुराल पक्ष बड़ा अमीर होता है। ये आपकी हथेली में कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष से ही धन का आगमन बड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। भविष्य क्या रहता है वो आपकी हथेली आगे बताएगी, लेकिन अभी तक जो है यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जब सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती है तो निश्चित है ऐसा ही होगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब जीवन साथी कैसा रहेगा ये इसने भी बता दिया, अब विवाह रेखा भी देखनी ज़रूरी है। अब विवाह रेखा रहती है, यहाँ किसी की रहती किसी की नहीं रहती, आपकी है, सीधी रेखा है बिल्कुल। और जब हमारी हथेली में ये सीधी रेखा होती है, किसी तरह मुड़ी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है बड़ा केयरफुल होता है,
रिस्पेक्टफुल होता है ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे अगर कोई रेखाएं इसको स्पष्ट तरीके से काट रही हैं तो निश्चित ही उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। विवाह के बाद कहीं ना कहीं जो है वैचारिक मतभेदता आएगी और दाम्पत्य जीवन में तकरार जरूर रहेगी, माने जो सुख मिलना चाहिए वो सुख में कमी आएगी। अगर ऐसी चीज़ है यहाँ पे फोटो में नहीं दिख रहा है, अगर इसको वास्तव में रेखाएं काट रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं इसका अलग से उपाय आपको दे दूंगा जिससे आने वाला समय आपका बेहतरीन हो। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, शादी के बाद जीवन वास्तव में कैसा रहेगा। इसको अगर एक सिंपल तरीके से देखते हैं समझने की थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें तो आप भी जान जाएंगे। जो हमारी ये मिडिल फिंगर है इसे शनि की उंगली कहते हैं, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको भाग्य स्थान कहते हैं, शनि कहते हैं, और शनि नौकरी का मालिक है। शनि का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, शनि विज्ञान है, शनि बहुत कुछ है, भाग्य स्थान है ये। तो आपका करियर और आपका धन का क्षेत्र यहीं से देखा जाता है। यहाँ से एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं बीचों बीच, उसके बाद आप अपनी मस्तिष्क रेखा देखें। मेरे को तो नहीं लगता कोई रेखाएं इसको काट रही हैं या यहाँ पे कोई तिल है या ये रेखा छूट रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरी है और चंद्रमा पे जा रही है, चंद्रमा की तरफ मुख की हुई है। इसका मतलब है कि शादी के बाद आपका जीवन उत्तम रहने वाला है, बहुत सुंदर और बहुत उत्तम रहने वाला है। अब आप अपने जीवन दाम्पत्य जीवन को कैसे लीड करेंगे उसके लिए इसके बाद जो है यहाँ पे ये जीवन की रेखा को देखा गया है। जीवन का रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है और केतु पर्वत की ओर जा रही है। देखिएगा जीवन के दाम्पत्य जीवन को तो अच्छा लीड तो करेंगे लेकिन उतार चढ़ाव भी बने रहेंगे, उतार चढ़ाव जो है निश्चित तौर पे यहाँ पे बने रहेंगे, इस ओर संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखो शुक्र पर्वत से मुझे लगता है अगर ये रेखाएं काट के जीवन की रेखा को और भाग्य की रेखा को काट के आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें जो है शादी होने में थोड़ा और भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि ये जो है शादी में जो है अड़चन डालने का काम करता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे फिर भी मैं वैसे उपाय आपको दे ही दूंगा, क्योंकि दोनों तीनों जगह से जो है कुछ ना कुछ अड़चनें आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम आपकी हथेली का, आपके सारे क्वेश्चनों का उत्तर दे दिया मैंने, धन संबंधी कि कब से आएगा और कितना अच्छा धन आएगा। दो रेखाएं हैं आपकी, शुक्र की रेखा है जो बता रही है कि जीवन साथी ने अगर साथ दिया तो बहुत सुंदर धन आएगा, अच्छा खासा धन आपका आएगा और एक रिच मैन आप बनेंगे, एक लग्जरियस लाइफ आपकी रहेगी। दूसरी बात, आपकी हथेली में एम की आकृति बना रही है जो 35वें वर्ष तक तो संघर्ष रखेगी लेकिन उसके बाद से लेकर के और 55वें वर्ष तक खूब धन कमाएंगे और शादी होने के बाद धन का आगमन और भी बेहतर तरीके से होगा, इस ओर जो है आपकी धन रेखा इशारा कर रही है। विवाह का भी मैंने बता दिया है। अब हथेली का और चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, उसको भी पूरी तरह से देखने का काम करते हैं। अब देखिएगा आपकी हथेली में जो ये बृहस्पति की उंगली है थोड़ा सा जो है यहाँ पे घूम रही है और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, माने ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा अगर हम देखें आपकी मिडिल फिंगर काफ़ी अच्छी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सुंदर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि मेहनती हैं, शनि से प्रभावित है ये उंगली, तो मेहनती बहुत अच्छे हैं, कायरता आपके जीवन में नहीं है, समझदारी से भी काम लेते हैं, बुद्धिमता से भी काम लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे अब हल्के रूप से टर्न है ये और ये रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे मुड़ती हुई दिखाई दे रही है,
इसका मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। इन दोनों के बीच का मैंने बता दिया है। और अब आपकी रिंग फिंगर देखें तो हल्के रूप से जो है मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा जो है धन अच्छी खासी मात्रा में आ जाए उसको पाने की यहाँ पे इच्छा दिखाई दे रही है। और हिम्मती स्वभाव तो है ही, रिस्क लेने की क्षमता भी ठीक दिखाई दे रही है। आप में जो है बृहस्पति के जहाँ गुण अच्छे आ रहे हैं, लीडरशिप के, महत्वाकांक्षा के गुण आ रहे हैं, वही हिम्मती स्वभाव और जो है रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अगर हम बुध की उंगली के देखें, पहले पौर्व तक पहुँचती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। और देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से, जब ये उंगली अच्छी स्थिति में हो और सूर्य उंगली के पहले पौर्व तक पहुँचे, तो ऐसा व्यक्ति ग्रहों के अनुकूल स्थिति में आने पर उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। ये बात निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में जो हम अगर हृदय की रेखा को देखते हैं, तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और इस तरह से जा रही है। आप कन्फ्यूज मत होएं, ये रेखा इस तरह से आके और इस तरह से जा रही है, और हृदय की रेखा जो है इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा बृहस्पति है और ये हमारा शनि है, इनके बीच में ही जा रही है। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी आप हैं। आपकी जो सोच है वो वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। और इस रेखा पे गुरु का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल पर पहुँचने की, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर पर पहुँचने की वर्तमान समय में होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे लेकिन आगे बढ़ने की सोचेंगे। एन केन प्रकारेण, चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और आगे बढ़ने की यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा इसी में, एक रेखा आपकी यहाँ से जा रही है, देखिएगा इसकी दो भावनाएं फोटो में नहीं दिख रही। अगर ये मंगल से जा रही है तो कहीं ना कहीं शादी में देरी होने का संकेत है, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति ऐसे में हो जाता है, मंगल के ज़्यादा गुण आ जाते हैं। फोटो में नहीं दिख रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ से है। अगर यहाँ से है तो ये गुरु बृहस्पति से इसकी ब्रांच जो है यहाँ पे ये गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। इसका मतलब है श्रेष्ठता इसमें आ रही है, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, तेजस्वी होंगे, हृदय से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा, स्वाभिमानी रहेंगे, और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत वाली नहीं है बात। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है और जीवन काल में निश्चित ही आप मान पद प्रतिष्ठा नौकरी कर रहे होंगे तो कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में यहाँ पर सूर्य की रेखा भव्य रूप में दिखाई पड़ रही है। निश्चित ही जो है 35वें वर्ष के बाद आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं, चाहे जो है प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो। और दूसरी बात, जिस तरह से सूर्य की रेखा है, ये गद्दी देने वाली, मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि देने वाली रेखा है, ये विस्तार देने वाली रेखा है, ये बहुत ज़्यादा अपार सम्मान की प्राप्ति करवाती है।
अपार प्रतिष्ठा देती है, व्यक्ति को एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जो है फेमस कर लेती है। और साथ में हृदय रेखी की ब्रांच जो है गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति से अगर युक्ति बना ले तो ऐसे लोग आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, अपने जीवन काल में समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, एक बहुत सुंदर सुपर लग्जरी जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नज़र नहीं आ रही है। आपकी रेखा है, आपकी हथेली है। और अब दूसरी रेखा को देखते हैं। दूसरी, मैं इसमें एक चीज़ कहना भूल गया हूँ, ये विष्णु का सिंबल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो साक्षात जो है नारायण की कृपा यहाँ पे दिख रही है। आप अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे, और आपके विरोधियों के लिए आपको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये विष्णु तिलक बन रहा है और आप जो है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गलत तरीके से अपने स्वार्थवश कुछ करते हैं तो रसातल की ओर जाएंगे, फिर न तो कोई उपाय आपको बचाएगा, न कोई भगवान की कृपा आपको बचा पाएगी, ये चीज़ निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ का और ध्यान देखिएगा, मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी इस तरह से आ रही है और ये मस्तिष्क रेखा सीधा मुड़ के जो है चंद्रमा की तरफ आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। जीवन काल में एक भव्य एक सुंदर यात्रा का आपको मौका मिलेगा, और जिस तरह से मस्तिष्क की रेखा है ये बता रही है कि हवाई यात्रा का और बड़ी यात्रा का मौका मिल सकता है, इसका मतलब है विदेश गमन भी आपका हो सकता है। क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे, कल्पना शक्ति बहुत सुंदर रहेगी। लेकिन जीवन की रेखा आपकी सीधा इस तरह से जारी है और केतु से युक्ति बना रही है, और केतु को संस्कृत में निर्वाण का ग्रह माना गया है ज्योतिष में, यह अच्छा भी है। व्यक्ति का जो अंत समय होता है वो निर्वाण को प्राप्त करता है और बहुत सुंदर माना जाता है इसको। लेकिन ये रेखा सीधा इस तरह से केतु पे आ जाती है तो व्यक्ति उन्नति तो करता है लेकिन संघर्ष भी जीवन में बराबर रहता है, उतार चढ़ाव भी व्यक्ति के जीवन में बराबर रहता है, इसको भी हमें जो है देखना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है आपको यात्राओं का मौका ज़रूर मिलेगा। अब ये रेखा अगर इस तरह से जारी है, देखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं इस रेखा के बारे में, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। एक तो ये रेखा इतनी लंबी है, बहुत आगे तक जा रही है यहाँ तक, मगर मैं यहीं तक इसको बता रहा हूँ। ये इतनी लंबी है इसका मतलब है कि जीवन में निरंतर प्रगति है, उसकी ये निशानी है। दूसरी बात, यहाँ पे देखोगे एक त्रिकोण बन रहा है, इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से एक सुंदर और लग्जरियस अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, ये निश्चित है और इसको कोई नहीं मिटा सकता है, जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलने वाला है। अब हम जो है अंगूठे को देखते हैं, फिर ग्रहों की स्थिति देखते हैं। आपका अंगूठा लचीला है, इसका मतलब है कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे दोनों पौरवों के बीच में एक यव की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका जरूर रहने वाला है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे ये उठा हुआ है, सुंदर है, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको जो है यहाँ पे दौड़ती हुई इसमें दिखाई दे रही है और ये जो है पैनिक लिए हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में ये मानसिक परेशानी आपको दे रहा है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने की वजह से माइंड में तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण चिंता का भाव दिखाई दे रहा है, और साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है।
इसके लिए शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और जब शुक्र ठीक होगा तो जीवन में लग्जरियस तो आएगी लेकिन कहीं ना कहीं सुख की भी प्राप्ति होगी। एक दो रेखाएं इस तरह से हैं जो लग्जरी जीवन की तरफ आकर्षित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, आकर्षण ज़्यादा है। निम्न मंगल भी आपका कोई ठीक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे डालता हुआ दिख रहा है। जीवन में दुविधा की स्थिति यहाँ पे बनाई हुई है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये निश्चित है यहाँ पे। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है जिसके कारण पराक्रम जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिम्मती स्वभाव दिखाई दे रहा है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, मन मजबूत रहेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये दिख रहा, निडरता रहेगी, साहस की कमी नहीं दिखाई दे रही है और कायरता जीवन में नहीं आएगी, इस ओर यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अनुकूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको अनुकूल कहेंगे क्योंकि जो इसकी सुंदरता है, जो इसका उभार है वो ठीक ठाक यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ तो होते हैं, स्वयं उन्नति तो करते हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों से जुड़ता है, संसर्ग में आता है, उसकी भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी ऐसे लोग होते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले होते हैं और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकार की भावना रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बृहस्पति इस तरह का बता रहा है। शनि की बात करें तो शनि अभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा जो है अगर नौकरी कर रहे होंगे तो हल्के रूप में ही सही, लेकिन तनाव की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका बहुत सुंदर है लेकिन हल्के रूप में अगर ये और पुष्ट हो जाए तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा जो अभी थोड़ा सा कम मिल रहा है। और विस्तार के क्षेत्र में देखें, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, निश्चित रूप से 36वें वर्ष से विस्तार मिलना यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर हथेली है आपकी। यहाँ पे आपका मरकरी का माउंट देखें तो देखो सबसे सुंदर यहाँ पे आपका मरकरी का माउंट है। ऐसे जातक ग्रहों के अनुकूल होने पर जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, ये गुण आपके अंदर है। हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा फायदा जीवन में होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे पूरा अवश्य करें तो ज़्यादा फल जीवन में मिलेगा। आपकी हथेली में आपका बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में रहेंगे तो सफलता की प्राप्ति ज़्यादा होगी, इस बात की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बुध का पर्वत जिस तरह से उभार ली हुई है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, सहज सी मीठी वाणी, किसी को भी अपनी तरफ करने वाली वाणी, एक सुंदर और सम्यक वाणी। दूसरी बात अगर देखें, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता हासिल होगी। कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है और किसके सामने बात कौन सी रखनी है और कैसी रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आती है। आपका जो व्यक्तित्व है इस बुध के कारण बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपका चंद्रमा देखें, देखो चंद्रमा वर्तमान समय में गड़बड़ स्थिति में दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएँ इसको लगातार यहाँ पर काट भी रही हैं, कहीं पे गुणा का भी चिन्ह है, कहीं पे दबा हुआ है, तो ये दोषयुक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा का दोषयुक्त होना सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन काम में कम लगता है, मन गड़बड़ रहता है, और चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति जो प्रोग्रेस वास्तव में करना चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। अगर मन गड़बड़ हो जाता है तो हमारा शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी गड़बड़ आ जाता है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी गड़बड़ आ जाता है, जिसके कारण कभी कभार जो है पेट की दिक्कत व्यक्ति को आने लगती है, या यूँ कहें नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। और जीवन काल में सकारात्मक सोच पे प्रभाव पड़ता है। जीवन काल में महिलाओं का वास्तव में जो सहयोग मिलना चाहिए वो कम मिलता है। तो इसके लिए आपको अपना चंद्रमा ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का बड़ी सरलता से विश्लेषण करने की कोशिश की है और किया है, और जो उपाय है उनको वैज्ञानिक तरीके से विधिवत ढंग से आपको लिख करके भेज रहा हूँ। आप उसको उसी विधि के अनुसार यदि करते हैं तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।